बिहार सरकार के मंत्री को कहना चाहता हूं, जायज नाजायज की परिभाषा अगर जिला में कलेक्टर को दे दें और उनके द्वारा हो तो मुझे समझ में आए, लेकिन प्रलोभन दे करके बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई जिला है जो इससे वंचित नहीं है। इसलिए मंत्री होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, धर्म परिवर्तन के लिए कानून होनी चाहिए। और ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रहार है, एक तरफ से कट्टरवादी मुसलमानों का प्रहार हो रहा है, जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, जो लव जिहाद के समर्थक हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उनसे परहेज है, उनका विरोध है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन भारत और बिहार में जब तक बहुसंख्यकों की आबादी है तभी तक सामाजिक समरसता भी है और लोकतंत्र भी मजबूत है, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। जिनको केवल वोट देखना है वो वोट देखें, हमें तो भारत के तमाम लोगों के साथ वही व्यवहार करना है जो बहुसंख्यक के साथ, वही अल्पसंख्यक के साथ। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। अगर बहुसंख्यकों के हित पर प्रहार होगा तो भी बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। राहुल जी के मुंह से सुनकर के खुशी होती है कि तपस्वी की परिभाषा अगर उनका क्या है वो तो बताएं। भारत तो ऋषि मुनियों का देश रहा है, मोदी तो सनातन के वैभव को, सनातन के को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज सारे उन, चाहे कॉरिडोर काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे द्वारका पर भी अब काम हो रहा है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, मैं तो तपस्वियों को ही पूछता हूँ, मेरे संस्कार और संस्कृति में है, वो क्या बोलते हैं उसको पहले वो साफ करें। केजरीवाल जी नानी को कह रहे थे कि नानी मस्जिद पर मंदिर बना है, तो नानी मेरी कहीं नहीं जाऊंगा, राम काल्पनिक है। आज राम उनको, अयोध्या उनको सही बुझा रहा है और गुजरात के लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको चारों धाम और अयोध्या दर्शन कराऊंगा। इसलिए केजरीवाल जी तो आज उन राजनेताओं में से आ गए हैं जिनकी चर्चा करना भी बेकार है। अन्ना हजारे के सामने इन्होंने कहा था, बेटा का शपथ खाता हूं राजनीति पर नहीं आऊंगा। इनके जुबान का क्या ठिकाना? ये यही करते हैं हिंदू और हिंदुत्व कि गुजरात, ये दिल्ली के अंदर जो जो मदरसों के इमाम को तनख्वाह देते लाखों रुपया और हिंदुओं के मंदिर के पुजारियों को नहीं देते, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेगी जनता, तो क्यों नहीं करेगी, ये भी बता दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।